In this video, we will try and understand the equine astringence, its pathogenesis, its causes, symptoms, diagnosis, treatment, prevention, epidemiology, all about this we are going to learn in this video. So without further ado, let's dive into deep. As we know that equine astringence is known by other names as Konak in Urdu language, and the astringence equine distemper, sometimes it is also known as the barn fever. The causative agent, if we talk about the causative agent of the equine astringence, so it is the Streptococcus equi, which is the gram-positive bacteria, and it is highly resistant bacteria as well. ये जो बैक्टीरिया है ये कहीं हफ्तों तक और कहीं महीने तक जो है जो कि एनिमल में अगर किसी में होता है या हॉर्स में होता है या डोंकी में होता है या म्यूल में होता है तो उनके जो नोज है या माउथ है उनसे एक डिस्चार्ज होती है, एक जो है वो ड्रेनेज किस्म की एक जो है वो होती है, उसको हम प्रूलेंट डिस्चार्ज कहते हैं। प्रूलेंट डिस्चार्ज क्या होता है कि वो एक वॉन्ड से निकलता है तकरीबन, और वो एक थिक कलर, थिक होता है, उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये थिक होता है, ग्रेश येलो या ग्रीन कलर या ब्राउन कलर का हो सकता है। ये जो प्रूलेंट है वो इन्फेक्शन की निशानी होती है दरअसल। ये एक जॉर्डिनस रफस एक साइंटिस्ट था, इसने ये रिपोर्ट किया था 1251 में ये केस, और ये केस जो है वो हॉर्सेस, डोंकी और म्यूल्स में बहुत कॉमन होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 to 3 weeks तक तकरीबन होता है, और सिम्टम्स जो है ना वो माइल्डर होते हैं। सिम्टम्स इतने ज़्यादा हॉर्सेस में, ओल्डर हॉर्सेस में जो कि बूढ़े हॉर्सेस होते हैं जो कि अपनी इतनी एंटीबॉडीज क्रिएट कर चुके हैं, इम्यूनिटी क्रिएट कर चुके होते हैं कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। उसके अलावा अगर हम एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं तो एपिडेमोलॉजी में हम देखते हैं कि जो हॉर्स की स्पीशीज है वो अफेक्ट ज़्यादा होती है, और डोंकी और म्यूल्स की भी स्पीशीज अफेक्ट होती हैं। और ये जो डिजीज़ है ये 6 महीने से लेकर 5 साल तक के एनिमल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका आउटब्रेक जो है वो साल के कोई भी हिस्से में हो सकता है, मगर जब ठंड ज़्यादा होती है या वेट वेदर होती है, ठीक है, उसमें जो है ये इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं स्प्रेड के भी और होने के भी, आउटब्रेक होने के भी, ठीक है। एनिमल का फेरिंग्स है, माउथ के बाद जो फेरिंग्स आता है उसमें इन्फेक्शन के रह जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तकरीबन हॉर्सेस, नॉर्मल हॉर्सेस जो है वो 10 महीनों तक अपने फेरिंग्स में इनके जो इन्फेक्शन रख सकते हैं। इस डिजीज में मॉर्बिडिटी तो बहुत ज़्यादा है, मॉर्टिलिटी कम है, डेथ बहुत कम होती है, बाकी इन्फेक्शन जो है वो मॉर्बिडिटी तकरीबन 80% तक है। नाउ लेट्स डिस्कस इस ट्रांसमिशन, कि ट्रांसमिट कैसे होता है। ये कंटाजियस डिजीज है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स तक बिल्कुल इजीली पहुंच जाने वाली डिजीज है, इन्फेक्शियस, हाईली कंटाजियस डिजीज है। ओरल नेजल रूट से ट्रांसमिट होती है। बैक्टीरियस में क्या करता है कि नेसोफेरेंजियल और ओरल म्यूकोजा में जो है इन्वेड करता है, वहां पर रिसाइड करता है, और फिर उससे ज्यादा आगे ट्रांसमिट होने की कोशिश करता है लिम्फ नोड्स पर, जो कि रीजनल, उसके आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं माउथ के पार्ट पे या फेरिंक्स के पार्ट में, वहां पर जो है उनको जो है ट्रांसमिट होता है वहां पर, जैसे कि रेट्रोफेरेंजियल या सब मैंडिबुलर, जो कि माउथ में ही लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं हमारे, उनमें जो है ये जो है बैक्टीरिया ये आगे जाता है। फिर क्या करता है उन लिम्फ नोड्स को, वो लिम्फ नोड्स में जब बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो वो लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फिर क्या होता है वहां पर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। अब एब्सेस क्या होता है कि ये एक पेनफुल कलेक्शन है पस का, यहाँ पे पस क्रिएट हो जाता है, फिर वो जब पस जो एब्सेस बन जाता है वो जब रैप्चर होता है तो उसमें से बहुत ज्यादा पस निकलता है। अब वो पस या तो एनिमल आउटसाइड अपने नोज के जरिए आउटसाइड जो है वो फेंक देगा, जब भी वो नीचे अपना सर करेगा, और जब भी खाने के लिए जो है वो नीचे सर करेगा तो उसके जो है वो नोज से डिस्चार्ज होगी और वो पस बाहर निकलेगा, या तो वो जो है ड्रेन करेगा किसमें, अपने फेरिंक्स में या गुटुरल पाउच में, ठीक है, उसमें जो है ना वो ये पस जो है ना वो कलेक्ट होता जाएगा। अब अगर कॉजेज की बात करते हैं तो फूड और वाटर से बहुत कॉमनली, अगर एक एनिमल है फार्म पर और उसको है ये डिजीज़, तो इजीली आउटब्रेक पूरे एनिमल्स में हो सकता है, ठीक है।
और अगर माउथ के किसी भी पार्ट पर वॉन्ड है, इससे भी जो है ये स्ट्रेप्टोकोकाई जा सकता है और अपना इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और जब एनिमल्स, जब हॉर्सेस, म्यूल्स, डोंकी अपने शुरुआत स्टेज में होते हैं, तो उनके जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो ज़ाहिर है टूटते हैं, ठीक है, और दूसरे टीत आते हैं 5 साल से पहले। इसकी वजह से भी होता है, एनिमल की वीकनेस की वजह से, इम्यूनिटी वीक पावर की वजह से और एंडोपैरासाइट्स की वजह से। जब एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अंदरूनी पैरासाइट्स मौजूद होते हैं तो इसकी भी वजह से जो है ये डिजीज़ कॉज होती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब ये पैथोजिन तो है, तो पैथोजेनेसिस जो डिजीज है वो कैसे क्रिएट करता है, ठीक है। तो एस इक्वाई बैक्टीरिया है, वो या तो नोज के जरिए या तो माउथ के जरिए एनिमल के अंदर एंटर होता है। जब एंटर होता है तो उसके नज़दीक क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके नज़दीक तो मुंह में, हमारे माउथ में एनिमल के टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, तो उन पर जाकर जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। कुछ घंटों बाद वो आस्ता आस्ता अपनी जो है रफ्तार तेज करता है, आगे जाता है, इंटरलाइज्ड होता है, जो है इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है और फिर जो है लिम्फ नोड्स में जाता है, वहाँ पर फेरेंजियल टॉन्सिलर रीजन्स पर जाता है और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, लिम्फ नोड्स पर उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है उस बैक्टीरिया की, और वो बैक्टीरिया अपनी बहुत ज़्यादा चेन्स बनाता है, कॉलोनीज बनाता है। फिर क्या होता है, फिर एक एनिमल की इम्यूनिटी है ना, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, WBCs के सेल्स हैं, वो क्या आते हैं उस जगह पर आते हैं, ठीक है, उस जगह पर आते हैं उसको किल करने के लिए, उसको फेगोसिटाइज करने के लिए। मगर वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फेगोसाइटोसिस फेल हो जाती है। वो क्यों फेल हो जाती है और वो क्यों नाकाम हो जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस को मारने में, वो इस वजह से कि जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो अपने जो आउटसाइड है वो एक कैप्सूल रखता है, हायलुरोनिक कैप्सूल, और उसमें एंटी फेगोसाइटिक एम प्रोटीन होता है और ल्यूकोसाइडल टॉक्सिन रिलीज करता है वो, जिससे जो है वो उस होस्ट की इम्यूनिटी से, न्यूट्रोफिल से वो बच जाता है। और फिर वो अपर रेस्पिरेटरी में कौन कौन से आते हैं, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकियोल आते हैं, ब्रोंकाई आता है, ठीक है। लंग्स में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी में माउथ से लेकर ब्रोंकाई तक आता है तकरीबन, ठीक है, तो उसमें जो है ये डिजीज कॉज करता है। फिर एब्सेस कॉज करता है लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स में पस पड़ना शुरू हो जाता है और फिर ये जो है ना गुटुरल पाउच इम्फेसिमा, गुटुरल पाउच भी जो है ह्यूमन जो एनिमल्स में जो है ये मौजूद होता है और ये वहां पर जो है वो इम्फेसिमा कॉज करता है। इम्फेसिमा दरअसल क्या है कि ये कंडीशन होती है जिसमें जो अल्वियोलाय है लंग्स की वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, जब एनिमल को हो जाती है ये सिम्टम, तो एनिमल खाना पीना छोड़ देता है पहले और हाई फीवर हो जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके पास हॉर्सेस है, हॉर्सेस का फार्म है, तो दिन में आप उनके एक से दो मरतबा उनका टेम्परेचर चेक करें। अगर ये डिजीज़ उनमें होगी तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे ही आपको पता चले कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, हर्ड से उनको दूर रखें ताकि आउटब्रेक से जो है हम बच सकें। तो उनको भूख नहीं लगेगी, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, बैड ब्रीथ का शिकार होंगे, फीवर बहुत ज़्यादा हाई होगा उनका, नोज से डिस्चार्ज होती रहेगी, प्रूलेंट डिस्चार्ज होती रहेगी, और जो उनका नेक है या हेड है वो आउटस्ट्रेच्ड होगा, उनको कुछ खाने पीने में भी जो है वो डिफ़िकल्टी होगी, रेस्पिरेशन में भी डिफ़िकल्टी होगी, और उनको जो है खांसी होगी, बार बार खांसी होगी, ठीक है, और उसका जो गला होगा स्वेलन थ्रॉट होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि उनका वेट लॉस होता रहेगा और लिम्ब्स जो है वो डिसकलर्ड या जो है वो सूज जाएंगी, और उसके अलावा जो है वो फेरेंजियल पैरालिसिस भी इनके अंदर हो सकता है। ये तकरीबन कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एनिमल जो कि शिकार होता है इस डिजीज़ का उसमें पाई जाती है। डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है पहले। उसके अलावा अगर सिम्टम्स को देखने के बाद प्रीवलेंट डिस्चार्ज है तो उसको जो है
कल्चर किया जाए उस प्रूलियन डिस्चार्ज को और आइसोलेट किया जाए स्ट्रेप्टोकोकाई इक्वाई को, ठीक है। उसके अलावा पीसीआर भी की जाए ये मालूम करने के लिए कि जो है ये डिजीज कौन सी है। जब पता चल जाता है कि ये डिजीज कौन सी है, ये किस ऑर्गेनिज्म ने की है, तो फिर इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। व्हेन यू नो द ट्रैक कि आपको किस जानिब जाना है, तो फिर चलना बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके से ही जो डायग्नोसिस करना भी बहुत जरूरी होता है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी डिजीज है, कौन सी वजह है कि एनिमल को फीवर है, कौन सी वजह है कि एनिमल को बुखार है, कौन सी वजह है कि एनिमल को भूख नहीं लग रही है, उसका वेट लूज हो रहा है। देन आपको उसके लिए डॉक्टर आप हायर करेंगे, उसको इलाज के लिए उसकी मेडिसिन हायर करेंगे, उसको अलग रखेंगे, तो बेसिकली वो फर्दर स्टेप्स हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डायग्नोसिस। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, सलाइन इलेक्ट्री वो डिफेक्ट होता है उसके पास, एप्सिस की ट्रीटमेंट भी बहुत लाजमी है, और उसके अलावा सपोर्टिव केयर, आइसोलेशन एनिमल की, मल को एक ठंडी जगह पर रखना, उसको फ्रेश एयर प्रोवाइड करना, ताज़ा पानी प्रोवाइड करना, ये सब शामिल होता है जब एनिमल को जो है वो बीमारी हो जाए, डिजीज हो जाए, उसकी ट्रीटमेंट पे। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन करते हैं, और जब न्यू हॉर्स होता है तो उसको एक महीने के लिए क्वारंटाइन करते हैं, और डीएनए जो है लेते हैं एक नए अराइवल एनिमल का, फार्म में अगर नया एनिमल आता है या न्यू बॉर्न एनिमल पैदा होता है तो उसका डीएनए लिया जाए और उसके नेजल कल्चर को भी लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई एंड द डिजीज इट कॉज इज नोन एज स्ट्रेंजिल्स equine distemper. Hope you understand, and if you are new to this channel, so subscribe to my channel, and thank you so much for watching this.